होंगे, सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा, आज मेरे पास जो टॉपिक है वो एक थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। डिफरेंट भी नहीं है, मतलब हम डेली लाइफ में अपने यूज कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। हम लोगों के दिमाग में अक्सर ये बातें आती रहती हैं, खासतौर पर जो हमारा कल्चर है, यानी पाकिस्तान में हर मतलब जो लैंग्वेज है, हर किसी की डिफरेंट लैंग्वेज होती है। इंग्लिश को यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं समझा जाता जब तक कि, और हमारी जो है देखा जाए तो हम लोग देख रहे होते हैं कि घर में हम लोग कोशिश करना चाह रहे होते हैं, जो जिन लोगों की इतने ज़्यादा जिन्होंने एजुकेशन नहीं ली होती है, ठीक है, इतने ज़्यादा एजुकेशन है भी नहीं हमारे मुल्क में ना, तो आजकल की जो जनरेशन है, माएँ सोच रही होती हैं घर में, जिन्होंने ना भी पढ़ा हो फिर भी सोच रही होती है कि हम अपने बच्चों को कुछ इस तरह के वर्ड्स सिखा दें कि हम कहीं बाहर आ जाएं, या हमारे बच्चों को जो है किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, हम उनसे जो है इस तरह से बात करें कि वो कॉन्फिडेंस आए उनमें, और वो कुछ इंग्लिश में वर्ड्स हों जिन्हें वो ऐसे वर्ड्स जो उन्हें आमतौर पर समझ आते हों, हल्के फुल्के से जो वर्ड्स होते हैं उन्हें समझें और उन्हें समझने में उन्हें परेशानी ना हो। तो आज जो है हम कुछ इस तरह के वर्ड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंपली जो है हम बच्चों से अपने जो, अब मेरा ख़ास तौर पर जो साथी हुआ है वो ये है, सोचना ये कि जब आपका बच्चा छोटा सा होता है, यानी कि एक साल का, 7-8 महीने का, तभी से आप कोशिश किया करें कि छोटे छोटे से जो वर्ड्स होते हैं आप अपने बच्चों को सिखाया करें, ताकि जो है उन्हें आदत हो इस चीज़ की, उन्हें समझ में आया करें। और मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ आप इंग्लिश सिखाएं, नहीं, आप दूसरी लैंग्वेजेस भी सिखा सकते हैं, क्योंकि ये जो फेस होता है ना बच्चों का, इसमें उनके पास कुछ नहीं होता, वो सिर्फ हर चीज़ को पिक कर रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं हर चीज़ को। तो मेरा मशवरा ये है कि आप लोग जो है अपने बच्चों को जो भी आप चाहते हैं, जो ज़बान आप चाहते हैं, वो अपने बच्चों को सिखाया करें। और क्योंकि इंटरनेशनली अप्रूव जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, इसलिए मैं इंग्लिश को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। छोटे छोटे से जो वर्ड्स होते हैं जो मैं चाहती हूँ कि जो है, यानी जिन जो पेरेंट्स इतने ज़्यादा एजुकेशन उनके पास नहीं होती, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके बच्चों के पास हो, और वो चाहते हैं कि उनके बच्चों के पास कॉन्फिडेंस हो, तो मैं चाहती हूँ कि वो छोटे छोटे से वर्ड से उन्हें समझें, उन्हें अपने बच्चों के साथ यूज़ किया करें, ताकि उन्हें आसानी हो, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा हो, वो यूज़ किया करें। और इस तरह की जो छोटी छोटी सी बातें होती हैं, हमारी जो, हम लोग इस तरह से सोचते हैं कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि इस बारे में हम लोग बात भी नहीं करते, ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम इस बारे में बात करें और समझें भी इस बात को। अच्छा चले, अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें मैं बताऊँगी कि कौन कौन से छोटे से वर्ड्स होते हैं जो कि आप घर में यूज़ कर सकते हैं, आराम से अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, जो बहुत ही बहुत ईजी होते हैं वो वर्ड्स, ठीक। जैसे कि मेरे पास जो वर्ड्स है, 3 वर्ड्स मैंने यहाँ लिखे हुए, हम कहते हैं इधर आओ, उसको हम ट्रांसलेट करके अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो हम बोलेंगे कम हेयर। अगर हम कहते हैं ये करो तो हम कहते हैं क्या, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके क्या कहेंगे, डू इट, सिंपली हम कहेंगे डू इट। हम कहते हैं जल्दी करो तो हम कहेंगे उसको ट्रांसलेट करके, यानी कि इंग्लिश में जो अगर हम यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे हरी अप। अगर मैं कहती हूँ इसे पकड़ो, होल्ड इट, ये दिस, वो दैट, है इस, मैं आई, तुम यू, जी। इसके अलावा मैं कहती हूँ कि उसे लेकर आओ, ब्रिंग इट, ठीक है, ओके। उधर जाओ, गो देयर, बैठ जाओ, सिट डाउन,
ठीक है। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। और लाइट ऑफ, लाइट चलाओ, टर्न ऑन द लाइट। इसी तरह से अगर हम कहेंगे लाइट बंद कर दो तो हम कहेंगे टर्न ऑफ द लाइट, लाइट बंद कर दो, टर्न ऑफ द लाइट। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे, हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम, और भी मैं वर्ड्स लेकर आऊँगी ठीक है। इसके अलावा हम कुछ और भी इस तरह की चीज़ें होती हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं, लाइक टेबल के, टेबल से रिलेटेड होती है, टेबल के ऊपर रख दो, टेबल के नीचे रख दो, तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, पुल के नीचे, पुल के ऊपर, यानी इसमें प्रीपोजिशंस यूज़ हो रही होती है। अच्छा, ये हमारे छोटे छोटे से सेंटेंसेज हैं जो हमने किए हैं अभी तक के, और भी हम देखते हैं ठीक है। उतार दो, कपड़े पहन लो, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं ठीक है। पुट ऑन, सॉरी पुट ऑफ क्लोथ्स, पुट ऑन, अच्छा पहनने के लिए पुट ऑन और उतारने के लिए पुट ऑफ। ठीक है, इसी तरह कपड़ों की जगह हम शूज भी यूज कर सकते हैं, जूते उतार दो, पुट ऑफ योर शूज, नहा लो, टेक शावर। ठीक है, और इस तरह से हम कहते हैं नाश्ता कर लो, हैव ब्रेकफास्ट। ठीक है, और भी जिस तरह से हम कहते हैं कि हम कहते हैं यहाँ है, इट इज हेयर, वहाँ है, इट इज देयर। अगर मैं कहती हूँ दीवार के पास है, या हम कहते हैं कि टेबल के पास है, सोफे के पास है, कभी किसी भी चीज़ को हम इस तरह से बताते हैं कि उसके पास है। तो यानी कि मैं कहती हूँ कि टेबल के पास है, तो मैं कहूँगी नियर द टेबल। ठीक है, लेकिन अगर मुझे ये कहना होगा कि दीवार के पास है, दीवार के साथ है, अगर मैं पास कहूँगी तो नियर द वॉल ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँगी दीवार के साथ है तो मैं कहूँगी बाय द वॉल। बस इतनी ही है अभी तक की वीडियो। नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह और वर्ड्स लेके आऊँगी और सेंटेंसेस लेके आऊँगी जो आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ बोल सकते हैं, उन्हें सिखा सकते हैं ताकि उन्हें आसानी हो। कुछ वर्ड्स इस तरह से होते हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत सिंपल होते हैं। खैर, अभी तो यहीं तक के हैं, अगली वीडियो में बात करेंगे और वर्ड्स के बारे में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।
بہت زیادہ شکریہ، اللہ حافظ.